हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयर बुक के सेशंस में आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन है हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में एजुकेशन रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स या फिर कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में जो खासकर प्रावधान है वो किस तरीके से दिए गए हैं और खासकर इंडिया ईयर बुक में हमें किस तरीके का इंफॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड देखने को मिलेगा इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम एजुकेशन रिलेटेड इंडिया में है वो है राइट टू एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान आपने इसके बारे में सुना भी होगा और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा चलिए रिवाइज़ करते हैं इसके बारे में आर्टिकल 21 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट लेजिस्लेशन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड नाइन बिकेम ऑपरेटिव इन द कंट्री इन टू तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो यूपीए uh, की सरकार ने पास किया हुआ था हालांकि आर्टिकल 21 ए जो है वो बहुत पहले ही वाजपेयी साहब की सरकार के वक्त ही टू में जो है एज अ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसे इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल राइट्स में तो राइट टू एजुकेशन जो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन के लिए वो एक फंडामेंटल राइट right है और आप सभी ने जो है uh, पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिस अबल इन नेचर होते हैं तो राइट टू एजुकेशन स्पेशली द प्राइमरी एजुकेशन खासकर सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है ये फंडामेंटल राइट right है हर बच्चे का इंडिया में द आर टी एक्ट कन्फर्स द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स जैसे कि मैंने कहा कि छः से चौदह साल तक के जो कोई भी बच्चे हैं उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन देना ये फंडामेंटल राइट right है उनका द सेंट्र इज स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज बींग इंप्लीमेंटेड सिंस टू थाउजेंड एंड वन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो इसी के तहत चलाया जाता है प्रोग्राम बहुत ही एम्बिशियस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि चाहता है कि हर बच्चे को खासकर छः से चौदह साल तक के बच्चों को यूनिवर्सल फ्री एलमेंट्री एजुकेशन अब मिला जाए कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह भी ये लेते हैं फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते हैं सरकारी फंडस वगैरह भी नहीं मिलते हैं तो इस तरीके से ये एमपावर करने की कोशिश करते हैं खासकर चिल्ड्रंस को सेक्शन ट्वेल्व सबसेक्शन वन सबसे सी ऑफ आर टी एक्ट मैंडेट्स ऑल प्राइवेट अन एडेड स्कूल्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स टू रिजर्व अ मिनिमम ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यह सभी हम जानते हैं दिल्ली हैदराबाद चेन्नई जैसे इंपॉर्टेंट जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं और बाकी के सिटीज़ में भी जो है चाहिए कि जो कारपोरेट स्कूल्स वगैरह होते हैं प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें से पच्चीस जो सीट्स होते हैं वो कंपल्सरीली रिजर्व किए जाते हैं पोरर सेक्शंस के लिए एंड दिस हैपन्स ओनली थ्रू द आर एक्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आर रेसिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स फ्रॉम एस सी एस टी ओ बी सी मुस्लिम कम्युनिटीज एंड बिलो पॉवर्टी लाइन गर्ल्स तो स्पेसिफिकली हॉस्टल फेसिलिटी के साथ जो है स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है इसे अंडरटेक करता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपने देखा होगा कि कई इंपॉर्टेंट जो जंक्चर्स होते हैं या फिर कई विलेज क्लस्टर ऑफ विलेजेस को मिलाकर जो है हमें एक के जी स्कूल देखने को मिलती है वहाँ पर स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए ही जो है वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी के साथ एजुकेशन भी दिया जाता है द पढ़े भारत बड़े भारत प्रोग्राम इज इन क्लासेस वन एंड टू इज फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल लर्निंग इन अर्ली ग्रेड्स विद एन एम्फोसिस ऑन रीडिंग राइटिंग एंड कॉम्प्रिंशन एंड मैथमेटिक्स पढ़ेगा भारत जब तभी तो बढ़ेगा भारत आपने ये स्लोगन भी सुना होगा तो बहुत ही एंगेज में ही बच्चों को जो है वो चाहिए कि एम्फोसिस देते हैं रीडिंग राइटिंग स्किल्स पर कॉम्प्रिहेंशन पर और मैथमेटिक्स पर द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एम्स टू मोटिवेट एंड एंगेज चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप सिक्स टू एटीन ईयर्स इन साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी ताकि आगे बढ़कर वो इनोवेट करें देखिए जाहिर सी बात है कि इंडिया इज एमर्जिंग एज अ हब टू सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंड आईटी रिलेटेड जॉब्स एंड मैन्युफैक्चरिंग्स एंड ऑल सो और ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स तो जब हम इंजीनियरिंग वगैरह कहते हैं तो साइंस मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही छोटे एज में ही उन्हें नर्चर करने की कोशिश की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जिम्मा लिया हुआ है तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान विद्यांजलि वॉज लॉन्च्ड टू एनहानस कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वेंट इन गवर्नमेंट एंड एलमेंट्री स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू विद्यांजलि आल्सो प्राइवेट सेक्टर जो कोई भी एनजीओज वगैरह काम कर रहे हैं फिर जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह भी है वो अगर एलिमेंट्री स्कूल्स वगैरह चलाना चाहते हैं या फिर सरकार की मदद करना चाहते हैं एलमेंट्री स्कूल चलाने में तो वहाँ पर भी हमें uh, एक कॉपरेशन देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज डेवलप्ड अ वेब पोर्टल कॉल्ड शगुन टू मोनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वशिक्षा अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो नोडल एजेंसी

देखिए अभी हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में देखा और देखा कि 6 टू 14 इयर्स तक के ब्रैकेट में ही जो है आ, हमें फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है एजुकेशन के लिए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन लेकिन जो सेकेंडरी स्कूलिंग होती है यानी कि अब जब आप टेंथ स्टैंडर्ड होते हैं तो यू आर समवेयर अराउंड फिफ्टीन ईयर तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो फिफ्टीन प्लस या फिर फोर्टीन ईयर्स प्लस वालों को टारगेट करने की कोशिश करता है हाइयर एजुकेशन के लिए दिस की एनवी सेजेस टू एनहैंस द एनरोलमेंट एट द सेकेंडरी स्टेज बाई प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी स्कूल विद अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ हैबिटेशन an aim to ensure gross enrollment ratio of 100% and universal retention by 2020 तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में देखा कि क्लस्टर ऑफ रिलीजियस के लिए जो है वो बनाया जाता है ताकि बच्चियों को जो है ख़ासकर हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह दिया जाए तो इसी तरीके से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी जो है वो स्ट्राइव करता है कि सेकेंडरी स्कूलिंग जो होते हैं वो ज़्यादातर दूर ना हो यानी कि विद इन द वेरी रीच ऑफ द विलेज वो हो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जितने भी बच्चे जो पढ़ने वाले उस एज के हैं वो सभी जो है वो आकर एनरोल हो और यूनिवर्सल रिटेंशन यानी कि बीच में ही वो ड्रॉप आउट ना बने पूरा कोर्स जो है सेकेंडरी हायर एजुकेशन का वो कंप्लीट करें तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आगे बढ़ता है शाला सिद्धि इज ऑल्सो वन सच इनिशिएटिव अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दैट इज स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड एवैलुएशन फ्रेमवर्क एंड इट्स वेब पोर्टल वॉज लॉन्च इन 2015 ये दरअसल निगाह रखता है एक एवेलुएशन फ्रेमवर्क लगाता है कि किस तरीके से सेकेंडरी स्कूलिंग के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एनसीआर के जो खासकर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सिलेबस किस तरीके से होगा टीचर को ट्रेनिंग किस तरीके से इम्पार्ट की जाएगी और फर्दर टीचर जो है स्टूडेंट के साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा नॉलेज इंपार्ट करेगा इन सभी चीज़ों के बारे में शाला सिद्धि डील करता है द शाला दर्पण प्रोजेक्ट टू कवर ऑल द थाउजेंड नाइन केंद्रीय विद्यालय वॉज लॉन्च्ड इन जून टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन केंद्रीय विद्यालय जो है वो खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉज के लिए है क्योंकि उन्हें ट्रांसफर्स वगैरह आते हैं तो बच्चों की एजुकेशन लेवल पर कोई मार नहीं पड़नी चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए इसीलिए जो है केंद्रीय विद्यालय हमें देखने को मिलते हैं बहुत से इंपॉर्टेंट सिटीज़ और अर्बन सेंटर्स में केंद्रीय विद्यालय होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो से ट्रांसफर होते हैं उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो केंद्रीय विद्यालय को जो है मॉनिटर किया जाता है थ्रू शाला दर्पण प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज बेस्ड ऑन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टूडेंट पेरेंट एंड कम्युनिटीज तीनों के लिए जो है एक जंक्शन की तरह काम करता है वहां पर स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट के लिए पेरेंट्स के लिए कम्युनिटीज के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है इंटरेक्ट करने का करने का क्वालिटी को मेंटेन करने का वगैरह वगैरह द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी लॉन्च एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन सम्रिक्षा फ्रॉम टू थाउजेंड एंड एटीन नाइनटीन समग्र शिक्षा क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं It envisages a school as a continuum from a preschool, that is LKG and UskG, uh, primary, that is first to fifth standard, upper primary, that is a sixth to ninth standard, secondary, that is a 10th standard, and senior secondary levels, that is above intermediate, that is a ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो इस तरीके से समग्र शिक्षा जो है वो इंटीग्रेटेड तरीके में एजुकेशन देने को कोशिश करता है वो कहता है कि फ्रॉम एल के जी टू सीनियर सेकेंडरी जो हम इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह तक जो जाते हैं वो एक ही इंटीग्रेटेड पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का और उसे इसी तरीके से इम्पार्ट करना चाहिए ज एंडल डिस्ट्रिक्स आइडेंटीफाइड बाई नीति आयोग वो चाहता है कि इंटीग्रेटेड तरीके से एक बच्चे को किसी एक तरीके से एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल पर ट्रांसफर होने ना दे अगर वो किसी एक स्कूल में जा रहा है फ्रॉम प्री स्कूल तो चाहिए कि वो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक यानी कि इंटरमीडिएट तक भी वो वही पर कंटिन्यू करें फर्दर यूनिफॉर्म्स हैल टेक्सट बुक्स हैल्सो बीन इंट्रोड्यूज यूनिफॉर्मली आप देख सकते हैं रेट्स वगैरह भी यहाँ पर दिए गए हैं पर एन एम के रेट्स पर तो ये समग्र शिक्षा है या फिर समग्र शिक्षा अभियान भी आप कह सकते हैं अगला इंपॉर्टेंट जो स्कीम है वो है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मद्रस पी क्यू ई एम इसे कहा जाता है देखिए मद्रस एक ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कूल होती है जहां पर कुरान और शरीयत के बारे में पढ़ाया जाता है खासकर ज्यादातर मुस्लिम जो है वहां पर पढ़ते हैं तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं टू तो इंकरेज मदरसा एंड मखतब्स ये भी जो है एक टाइप ऑफ मदरसा ही होता है टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल सब्जेक्ट्स दट इज साइंस मैथमेटिक्स सोशल स्टडीज हिंदी एंड इंग्लिश ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि इन

कर सकते हैं विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के वहां पर किस तरीके के कोर्सेस होते हैं चाहे वो आमिल का कोर्स हो या फिर मुफ्ती का कोर्स हो इस तरीके के अलग अलग कोर्सेस होते हैं तो जैसे कि कोर्स खत्म करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से उन्हें एडिक्वेट जो है आ, सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनल मींस कम अ मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च्ड इन 2008 विद एन ऑब्जेक्टिव टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वीकर सेक्शंस अप टू क्लास ट्वेल्थ आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स ही प्रोवाइड करता है एस एसटी ओबीसी टी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को Uh, कैंपेन देख या फिर uh, स्वच्छ भारतन देखते हैं तो उसी तरीके से नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया था नाइनटीन एटी एट में फॉर अडल्ट इन द एज ग्रुप ऑफ फिफ्टीन प्लस इय इट वॉज री एम रिवेम्प इन टू थाउजेंड एंड नाइन इन अलाइनमेंट विद न्यू पैराग्रीम्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज ए साक्षार भारत देखिए दरअसल लिटरेसी के डेफिनेशन हर कंट्री के लिए अलग अलग होते हैं और इंडिया में एनी वन हु इज़ अबाउट द एज ऑफ सेवन ईयर्स हु कैन रीड राइट और अंडरस्टैंड इन एनी वन ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज ही इज़ कंसिडर्ड एज अ लिटरेट तो इस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इस लिटरेसी को डेफिनेशन को थोड़ा बहुत आगे पुष्ट करने के लिए जो है ये नेशनल लिटरेसी मिशन को जो है वो लिया गया था इसे एज ऑफ नाउ साक्षार भारत के प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है द स्कीम ऑफ केंद्रीय विद्यालय दट इज सेंट्रल स्कूल्स अभी जिसके बारे में हमने बात किया हुआ था पिछले स्लाइड्स में वॉज अप्रूव इन 1962 टू टू प्रोवाइड अन इंटरप्टड एजुकेशन टू द वर्ड्स ऑफ ट्रांसफरबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट के केम्प्लॉयज जो ट्रांसफर होते हैं अलग अलग सिटीज से अलग अलग स्टेट से तो उनके बच्चों को किसी तरीके का इंटरप्शन ना हो एजुकेशन में एक यूनिफॉर्मिटी रखी जाती है थ्रू केंद्रीय विद्यालय

नेशनल बाल भवन एटेब्लिश इन 1956 इज एन एटोमस इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय एमएचआरडी इट एम्स एट एनहैसिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस एक्टिविटीज ऑपर्चुनटीज एक्सेट्र तो नेशनल बाल भवन जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज करता है कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखता है तो वो देना चाहता है अपॉर्चुनिटी बच्चों को कि वो अपनी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को प्रूव करें एन हम सभी जानते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इट प्रोवाइड्स एकेडमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर क्वालिटेटिव टू इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन अगर आपने सेंट्रल uh, के कोई किसी भी स्कूल में जहाँ पर सेंट्रल सिलेबस हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन जो है वो एक एपेक्स बॉडी है जो टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल और अकेडेमिक सपोर्ट जो है वो देता है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन सिक्सटी बुक्स आर अवेलेबल फ्री इन डिजिटल वर्शन ऑन ई तो NCRT's के बुक्स जो है आप जाकर डायरेक्टली उन्हें फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम ई पाठाशाला ऐप तो अगेन यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन में होने के लिए एक काउंसिल रखा गया था नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सी सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन अगेन सेंट्रल लेवल का है देखिए जब हम स्टेट्स के बारे में कहते हैं तो हमें एस के बोर्ड्स देखने को मिलते हैं स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड्स वगैरह जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के स्टेट लेवल बोर्ड्स भी होते हैं लेकिन सेंट्रल में जो है खासकर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एजुकेशन में इस तरीके से एनसीईआरटी और सीबीएसई के बोर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं एन CBSE बी एस ई ईज अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट सी बस ई है आज ऑल स्कूल एफिलिएटेड टू इट फॉलो ओनली करिकुलम सिंस याद रखिएगा कि NCERT textbooks provide बुक्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल एंड academic सपोर्ट देता है लेकिन जो बोर्ड पूरे जो सेकेंडरी स्कूलिंग को रेगुलेट करता है वो है CBSE. तो CBSE ने ये ताकीदी दी हुई है सभी स्कूल्स को कि वो NCERT का curriculum फॉलो करें खासकर वो स्कूल्स जिन्होंने अपने आप को CBSE से अफिलिएट किया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जिसके बारे थोड़ा में थोड़ा बहुत हमने अभी जाना इट इज एन ओपन स्कूल टू केटर टू नीड्स ऑफ हेटरोजीनियस ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स अप टू प्री डिग्री लेवल प्री डिग्री लेवल यानी कि अप टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इट वॉज एस्टेब्लिश बाई मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी देखिए जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर रेगुलर स्कूलिंग की बात करते हैं लेकिन ज्यादातर बच्चे जो रेगुलर स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो बचपन में स्कूल नहीं गए लेकिन बाद में जो है उन्होंने इंपॉर्टेंस पता हुई एजुकेशन की तो वो अब पढ़ना चाहते हैं लेकिन रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते तो इस इस तरीके के कैंडिडेट्स uh, के लिए ओपन स्कूलिंग यानी कि डिस्टेंस में जो है आप स्कूलिंग कर सकते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है द मिड डे मील्स स्कीम अब हम सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कवर्स चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस वन टू एथ स्टैंडर्ड स्टडिंग इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड मद्रसाज और मकतब्स सपोर्टेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान इट इज द लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड बच्चों को जो है खाना खिलाया जाता है मिड डे मील्स यानी कि दोपहर में जो है बच्चों को लंच स्कूल में ही किया जाता है अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग मॉडल्स अप्लाई किए हुए हैं तो ये भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही किया जाता है हाइयर एंड टेक्निकल एजुकेशन भाई प्राइमरी के बारे में हमने देखा हमने सेकेंडरी के बारे में देखा आई अब हाइयर एंड एजुके टेक्निकल एजुकेशन के बारे में देखते हैं देर आर ओनली ट्वेंटी यूनिवर्सिटीज एंड फाइव हंड्रेड कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के वक्त विच हैीजड बाई थर्टी एट टाइम्स दट इज सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी इन केस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड सेवेंटी सेवन टाइम्स

टू रैंक इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही एम जो है हर साल ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देता है यानी कि वो रैंक करता है इन यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं uh, कि किस तरीके का उनका रिजल्ट है किस तरीके से uh, जो है एक रिजल्ट ओरिएटेड काम वो कर रहे हैं कितने रिसर्च जर्नल्स वगैरह दे रहे हैं या फिर अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं वहाँ पर ट्रांसपैरेंसी किस तरीके से मेन्टेन की जा रही है अलग अलग पैरामीटर जो है वो होते हैं तो इस तरीके का नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ही मदद करता है स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कॉलेज वगैरह सेटअप करने के लिए रिक्रूटर्स के लिए भी बहुत ही जरूरी है तो इस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोजेक्ट सक्षम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एम एट प्रोवाइडिंग एंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन टू परसूव टेक्निकल एजुकेशन बी टेक एम टेक जैसे टेक्निकल एजुकेशन जो है खासकर डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए थ्रू प्रोजेक्ट सक्षम स्कॉलरशिप दी जाती है एजुकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन टू थाउजेंड फोर्टीन टू कंसिडर जॉब रोल्स अदर देन अकेडेमिक फैकल्टीस एंड टीचर क्वालिफिकेशन तो जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ द इंजीनियर्स हो क्वालिफाई और हो ग्रेजुएट आउट इन इंडिया दे आर अनएम्प्लॉयबल क्योंकि उनके पास एडिक्वेट स्किल नहीं है तो इस स्किल को जो है प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन के साथ ही स्किल देने के लिए ये स्किल काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश किया गया था प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट इज अ स्कीम ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो कोई भी आप बी टेक एम टेक वगैरह पढ़ते हैं टेक्निकल एजुकेशन जो कोई भी है वो रेगुलेट करने वाला एपिक्स बोर्ड जो है वो ए आई सी टी ई है इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ गर्ल पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एजुकेशन देखिए हमने प्राइमरी के बारे में बात किया सेकेंडरी के बारे में बात किया ये हाइयर है यानी कि ग्रेजुएशन और उसके ऊपर या फिर टेक्निकल जो एजुकेशन होती है इंजीनियरिंग वगैरह उसके बारे में है तो प्रगति स्पेसिफिकली इस तरीके के टेक्निकल एजुकेशन के लिए और खासकर गर्ल के लिए है और प्रोजेक्ट सक्षम हमने

प्रोजेक्ट स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ये एक एकम है इसका इट इज़ अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इनिशिएटिव ऑन एन नेशनल प्लेटफॉर्म विथ अ कॉम्प्रहेंसिव एकेडमिक स्ट्रक्चर दरअसल जो कोई भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग रीजन से स्टेट से जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें इक्वल क्वालिटी मिले तो ये पोर्टल जो है वो मेंटेन किया गया है ताकि वहाँ पर जो कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप लेना चाहें वो यूनिफॉर्म हो और पूरे कंट्री में जो है आप इजीली से ऑनलाइन एक्सेसबल कर सकें कोई भी खासकर टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अकेडेमिक नेटवर्क एम्स एड टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रन्योर्स इंटरनेशनली टू एंकरज दर इंगेजमेंट विथ इंस्टीट्यूट हायरुकेशन इन इंडिया तो अब्रॉड में भी जो कोई भी इम्पोर्टेंट पूल uh, है जो साइंटिस्टों uh, का है एंटरप्रन्योर्स का है या फिर जो कोई भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उन्हें भी जो है इनवाइट किया जाता है एक एकेडमिक नेटवर्क बनाया जाता है ग्लोबल का यानी कि अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें रहने वाले प्रोफेसर्स इंटेलेक्चुअल्स वगैरह ताकि वो आए विजिट करें या फिर वो आए इंडिया के हायर एजुकेशन को जो है कहीं ना कहीं डेवलप करने में हमारी मदद करें ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एजुकेशन के बारे में और ख़ासकर इंडिया ईयरबुक में हमें इंपॉर्टेंटली किस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है एजुकेशन रिलेटेड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो